हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार आप लोगों का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद एलिवेट कोचिंग पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक विशेष मुद्दे पर बात करने वाले हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं, UPSSF 2020, यानी कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020। इस सुरक्षा अधिनियम के पास होते ही या एक्शन में आते ही कुछ विवाद जनरेट हुए। वो विवाद ये थे कि सरकार के द्वारा ये जो अधिनियम बनाया गया, ये जो फिलॉसफी लाई गई, उसके बारे में ये कहा गया कि ये उत्तर प्रदेश के इंटरनल सिक्योरिटी को सेफ करेगा। ठीक, इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पे ये विशेष सुरक्षा बल लाई गई 2020। इसमें बेसिक सी बात हम ये समझेंगे कि ये है क्या, ये किसके अधीन काम करेगी। तो पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करेगी, यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करेगी, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करेगी। ठीक है, अब इसको संचालित करने का कार्यभार एडीजी का होगा, एडीजी एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल। एडीजी जो होगा वो इस विशेष सुरक्षा बल को रेगुलेट करेगा, मॉनिटर करेगा। ठीक है, एडीजी जो होगा वो कोई भी अधिकारी जो आईपीएस रैंक का होगा वो बनाया जाएगा, जो आईपीएस रैंक का होगा वो बनाया जाएगा। हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर होगा लखनऊ में, हेडक्वार्टर इसका होगा लखनऊ में। पहले तो हम इसकी चर्चा कर लेते हैं, ये है क्या, करेगा क्या, फिर बाद में देखेंगे कि कहां पे क्या दिक्कत है, आम लोगों के बीच में इसका विरोध क्यों हुआ, पहले तो ये समझ ले। ठीक, अब ये बोला गया कि ये जो विशेष सुरक्षा बल होगा इसके कमिटी को या इसके मेंबर को या इसके जवानों को इतनी फैसिलिटी होगी, इतना पावर होगा कि वो किसी भी सस्पेक्ट को बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति, यानी कि बिना किसी वारंट के उसे गिरफ्तार कर सकती, अरेस्ट कर सकती, और वो भी ऐसी गिरफ्तारी जिसकी कहीं पे भी कोई अपील नहीं की जा सकती, पहली बात। ठीक है, अब ये जो उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल बनाया गया, इसके पक्ष में सरकार का मत क्या है? सरकार का मत बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट से शुरू होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल एक स्टेटमेंट अपना दिया कि हाई कोर्ट की सुरक्षा या हाई कोर्ट के सदस्यों की सुरक्षा लोकल पुलिस प्रशासन के द्वारा अच्छे से किया नहीं जा रहा। इस मुद्दे को संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने इस मुद्दे को संज्ञान लिया और एक विशेष बल का गठन करने का आदेश जारी करा। अब इसमें क्या बोला गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, पिछली साल दिसंबर में 17 दिसंबर 2019 को बिजनौर हाई कोर्ट में कुछ असलाहधारी या कुछ वेपन्स लेकर के हाई कोर्ट के अंदर अंधाधुंध 10 मिनट की फायरिंग करी गई कुछ लोगों के द्वारा, जिसमें से एक हाई कोर्ट का कर्मचारी मारा गया, दो अन्य व्यक्ति मारे गए। अब इसी मुद्दे को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 दिसंबर 2019 को बोला कि किसी भी हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट या किसी भी जिला न्यायालय की सुरक्षा का जो भार सौंपा गया है लोकल पुलिस
को वो इसे सही से बियर नहीं कर पा रही, सही से संचालित नहीं कर पा रही, यानी कि सुरक्षा, हाई कोर्ट की सुरक्षा पर या किसी भी न्यायालय की सुरक्षा पर उन्होंने क्या क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हाई कोर्ट न्यायालय, हाई कोर्ट कहां का, अलावा। अगले ही दिन 18 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार इस पर एक्शन लेती है और इस विशेष सुरक्षा बल का प्रोपेगेंडा तैयार करती है। अब इसमें यह बोला गया कि यह जो विशेष सुरक्षा बल होगी ये उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा का समन्वय जनरेट कराएगी। आंतरिक सुरक्षा की बात इन्होंने एक टर्म में करी और इसको परिभाषित ऐसे किया गया कि यह कुछ विशेष स्थानों की सुरक्षा करेगी, कुछ विशेष स्थानों की सुरक्षा करेगी। उन विशेष स्थानों की अगर हम बात करें तो न्यायालय आएगा, इन विशेष स्थानों की बात करें तो पहली बात तो जिला न्यायालय हो, राज्य न्यायालय हो, हाई कोर्ट हो, इनकी सुरक्षा करेगा। दूसरी, किसी भी धार्मिक स्थान की सुरक्षा करेगा, धार्मिक स्थान की सुरक्षा करेगा। तीसरा, यह बोला गया किसी भी उच्च वर्ग के सरकारी दफ्तरों की सुरक्षा, सरकारी दफ्तरों की सुरक्षा। साथ ही साथ यह भी बोला गया इसमें कि किसी भी प्राइवेट संस्थान जो औद्योगिक संस्थान हैं उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनको दी जा सकती है। अगर कोई भी प्राइवेट संस्थान जो औद्योगिक संस्थान है वो इसकी रिकमेंडेशन करता है, तो अगर कोई औद्योगिक संस्थान इस विशेष सुरक्षा बल की सेवा लेना चाहता है तो उसे एक फीस जो भी होगी उनकी पे करनी पड़ेगी। तो ये UPSSF उनकी सुरक्षा का कार्यभार संभालेंगे। यानी कि चौथा जो हमारा पॉइंट आया इसमें, औद्योगिक इकाई। इसमें ये बोला गया कि UPSSF के जितने भी जवान होंगे या जितने भी कर्मचारी होंगे, इन जवानों की 24x7 इन्हें ऑन ड्यूटी माना जाएगा। यानी कि 24 घंटा ये ऑन ड्यूटी माने जाएंगे, चाहे वो कहीं पे भी रहें। इनको 24x7 कहीं पे भी भेजा जा सकता है, किसी भी समय इनको कहीं पे भी भेजा जा सकता है। ये बात रही, इनके पास शक्ति इतनी दी गई है, इसी शक्ति का विरोध हो रहा था। शक्ति इतनी दी गई है कि बिना किसी वारंट के अगर इन्हें किसी पर भी सस्पेक्ट हो गया कि ये राज्य की आंतरिक सुरक्षा की गतिविधियों में गड़बड़ करने वाला है या गड़बड़ कर रहा है या करके भागने वाला है या भागने की फिराक में है, इस तरीके का अगर कोई सस्पेक्ट इन्हें मिलता है तो वो बिना इंक्वायरी, बिना पूछताछ किए, बिना वारंट उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। दूसरी बात ये भी बोली गई कि बिना सर्च वारंट के ऐसी गतिविधियों में लिप्त किसी सस्पेक्ट, ध्यान रहे सस्पेक्ट की बात हो रही, ऐसी गतिविधियों में लिप्त किसी भी सस्पेक्ट के घर की या उसकी किसी भी संपत्ति का ये सर्च कर सकते हैं। बात समझ में, इतनी बात। अब दिक्कत ये थी, मुद्दा ये है कि भैया इनको अगर इतनी आपने शक्ति दे रखी है तो इसका मिसयूज भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? मिसयूज भी किया जा सकता है। मिसयूज की अगर हम बात करें तो बेसिकली इसे ऐसे बोला जाए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए इस एक्ट का प्रयोग कर सकती है। अब वो कैसे कर सकती? एक्चुअली ये पहली बार ऐसा कोई अधिनियम नहीं आया, इससे पहले भी और आ चुके हैं। अगर हम इसके इतिहास की बात करें, बेसिकली एक बात ध्यान रहे, टेररिज्म, कुछ लोगों के दिमाग में ये है कि टेररिज्म को रोकने के लिए ये एक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने कहा कि किसी विशेष स्थान की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी होगी और वो ये दिए गए न्यायालय होगा, धार्मिक स्थान होंगे, कोई सरकारी दफ्तर होगा और कोई भी औद्योगिक इकाई भी हो सकती है। ठीक है,
अब इसके बारे में इनको ये बोला गया कि भैया अगर इनकी पावर इतनी ज्यादा आपने दे रखी है, विरोध इसी बात का है पावर को लेकर, तो इस पावर का ये दुरुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी हो सकता है। अब ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसी कोई अथॉरिटी बनी हो जिसको इतनी पावर मिली हो, ये बहुत इसका इतिहास रहा है और इतिहास गवाह भी है कि ऐसी जो पॉलिसीज आई या ऐसे जो अधिनियम आए वो ज्यादा देर तक टिके नहीं, सक्सेस नहीं हुए। किसी भी तरीके से उनका दुरुपयोग किसी पॉलिटिकल प्रेशर में या किसी पॉलिटिकल हाथों के द्वारा दुरुपयोग किया गया। इसके अगर हम इतिहास की बात करें ना, तो 1919 में अगर आप आ जाएं, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सुना होगा। जलियांवाले बाग हत्याकांड की अगर हम बात करें तो जलियांवाले बाग हत्याकांड की कहानी कुछ ऐसे है। अमृतसर में इस स्थान पर इस एक्ट का 1919 में एक एक्ट आया, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा था और उस समय ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोली चलवा दी। 10 मिनट तक की अंधाधुंध फायरिंग में हजारों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। लेकिन उस समय ब्रिटिश सरकार का जो आंकड़ा था वो कुछ ऐसे था कि 300-350 के करीब मौतें हुई हैं और 1500-2000 के बीच में घायल हुए, जबकि ऐसा एक्चुअल आंकड़ा नहीं था। एक्चुअल आंकड़ा 1000 के पार मरने वालों का था और 1000 के पार घायल। अब आप समझिए 1919 में ये जो रॉलेट एक्ट आया, इसके पास भी वही पावर थी कि ये इसके जो सिपाही होंगे वो किसी भी मजिस्ट्रेट की अनुमति लिए बिना, किसी भी अपर अधिकारी की अनुमति लिए बिना किसी सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर सकता है। वही कहानी यहां पे भी है। दूसरी बात, इसमें एक पावर और थी। पावर जो सबसे बड़ी ये थी कि भैया आपने जिससे गिरफ्तार करा है उसे कारण भी नहीं बताएंगे आप। आपने जिसे गिरफ्तार किया है ना तो आप कारण उसे बताएंगे और ना ही उसके खिलाफ कोई वारंट होगा। आपके दिमाग में अगर वो सस्पेक्ट हो गया तो आप उसे क्या कर लेंगे, गिरफ्तार लेंगे। रॉलेट एक्ट, जब हम आजाद नहीं थे तब हमने किसी दूसरी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई थी, यहां के प्रदर्शनकारियों के द्वारा इसके विरुद्ध आवाज उठाई, ठीक है। रॉलेट एक्ट की कहानी। इससे पहले रॉलेट एक्ट के बाद अगर देखा जाए, आजादी के बाद भी कई ऐसे एक्ट आए, हालांकि वो एक्ट थोड़े हटके हैं, एंटी टेररिज्म से कनेक्टेड है। जैसे पहला एक एक्ट मैं अगर बोलूं तो इसमें निकल के आता है टाडा। टाडा, ठीक। दूसरे एक्ट की अगर हम बात करें तो एक एक्ट आता है पोटा। तीसरे एक एक्ट की अगर मैं बात करूं तो एक एक्ट आता है UAPA। UAPA तीनों के बारे में जानेंगे। एक और एक्ट की अगर हम बात करें तो मीजा, ठीक। ये जो चारों एक्ट आए, ये जो चारों एक्ट थे वो टेररिज्म प्रिवेंशन से संबंधित थे, यानी कि आतंकवाद निरोधी अधिनियम थे, ठीक। अब इसमें भी इनके जवानों को वही पावर थी कि बिना किसी वारंट के, बिना किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए गए, आप किसी भी सस्पेक्ट को उठा सकते हैं, गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक। और ऐसा देखा गया है इन अधिनियम के तहत कि सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इसका दुरुपयोग भी किया गया।
मीजा के तहत भी कुछ इसी तरीके की घटनाएं देखी गई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी, लालू प्रसाद यादव, अन्य और बड़े नेताओं को इसके तहत गिरफ्तार किया गया। 1975 में आपने देखा होगा, 1975 में, 1975 में इस अधिनियम का प्रयोग किया गया कुछ इसी तरीके से, जिससे आम जनता को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि यह आज के मुद्दे से काफी हटे हुए, इनका बेसिक सा कॉन्सेप्ट यह था कि टेररिज्म को खत्म करने के लिए या टेररिज्म में लिप्त किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था को अगर पाया गया तो उन्हें बिना किसी चेतावनी, बिना किसी नोटिस उन्हें अरेस्ट किया जा सकता। ठीक, हालांकि इसमें से जितने भी थे सारे के सारे लगभग बैंक एबोलिश कर दिए गए। हाल फिलहाल में इसका असर देखा जाता है यूएपीए का अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। बात समझ में आई? इतनी बात है। तो यह देखा गया कि जो यूपीएसएसएफ बनाई जा रही या बनी, इसमें भी पावर को लेके, यानी कि इनकी शक्तियों को लेके घमासान मचा हुआ है कि इनकी शक्तियों को कहीं ना कहीं से कम किया जाए, उनमें सुधार किया जाए, नहीं तो इस बल के द्वारा, किसी भी संस्था के द्वारा उसका शोषण किया जा सकता है। आप लोगों का मत क्या है यूपीएसएसएफ पे? आप लोग अपने मत को कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा कि यूपीएसएसएफ कहां तक सही है। ठीक है, अब एक बात, इनकी जो और पावर है वो पावर क्या है कि इनके कर्मचारी यानी कि इनके ऑफिसर्स या इनके जवानों को के खिलाफ कोई भी मामला कोर्ट में दर्ज नहीं किया जा सकता, यानी कि इन पे किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दूसरी बात, भारत का कोई भी कोर्ट या राज्य सरकार का कोई भी कोर्ट, राज्य के अधीन आने वाले कोर्ट या न्यायालय इनके कर्मचारियों पर लगे आरोपों को संज्ञान नहीं लेंगे, यानी कि कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा इनके खिलाफ, ना तो कोर्ट कुछ करेगा और ना ही इनके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई हो सकती। सामान्य पुलिस कार्रवाई में आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वारंट उसके नाम से होना चाहिए। दूसरी बात, मजिस्ट्रेट की अनुमति होनी चाहिए और इसको 24 आवर के अंदर जिला मजिस्ट्रेट के सामने इसको पेश करना होता है, जबकि ऐसा इसमें कुछ नहीं है। यूपीएसएसएफ के द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो किसी को कोई जानकारी नहीं होगी और ना दी जाएगी कि उन्हें कैसे कहां लाया गया। तो आप बताइएगा अपने कमेंट सेशन में आकर के इस एक्ट के बारे में कि ये कहां तक सही हो सकता है, क्या कमियां हैं इसमें, क्या दुरुपयोग इसका हो सकता है। आप अपने कमेंट स्वतंत्र रूप से बोल सकते। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।